अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग बात करते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस की और उसमें जरा आगे चलते हैं। तो हमने देखते हैं कि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं फॉर दीज कंडीशंस। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उनका जिक्र करेंगे और फिर स्पेसिफिकली कौन सी ट्रीटमेंट किस डिजीज में उसको देखते हैं। और ये आपके पास ज़ाहिर है सर्जरी है तो आपने इसके ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपसे पूछते हैं तो आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, तो एंटी थायराइड ड्रग्स का सिलसिला कुछ यूँ होता है कि ये ना हमारे पास थायराइड ग्लैंड में जो अंदर हार्मोनल सिंथेसिस है उसके प्रोसेस को रोक देती हैं। जब उसके प्रोसेस को रोक देंगे तो ज़ाहिर है जो T3 T4 बनेंगे नहीं और थायरोटॉक्सिक जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो आपके पास दो तरह की ड्रग्स हैं, कार्बामिजोल एंड प्रोपायल थायोयूरेसिल, और ये दोनों एक्ट करती हैं। जो इनका मैकेनिज्म है वो यही है कि ये बीच में जो सिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें रोकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सिंथेसिस के लिए मैंने आपको जिस तरह बताया था कि एक काम ये होना होता है कि आपकी आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट होना होता है, ठीक है, थायराइड पेरोक्सीडेज से, और उसके अलावा आपके आयोडीन के साथ टायरोसिन जाके अटैच होता है तब जाके आपका बनने का इम्कान होता है कोई T3 T4 का। तो इन स्टेप्स को ये रोकती है, ठीक है। आपको कोई भी नहीं पूछेगा, ये फार्माकोलॉजी नहीं है कि कौन से स्टेप पे क्या एक्ट कर रही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी दो ड्रग्स हैं कार्बामिजोल, ठीक है, और प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ये दोनों आपकी एंटी थायराइड ड्रग्स हैं। इसमें से कार्बामिजोल हम नॉर्मली ज्यादा देते होते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स कम है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो फिर प्रोपाइल थायोयूरेसिल देनी है। और ये आपका एमसीक्यू आता होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल है प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती, अगर क्रॉस नहीं करेगी तो ज़ाहिर बच्चे में हाइपोथायरॉयडिज्म होने का चांस नहीं होगा, इस वजह से हम इसको देते हैं, ये सेफ होती है। कार्बामिजोल प्लेसेंटा क्रॉस करती है, इस वजह से हम ये नहीं देते। अच्छा, अब एंटी थायराइड ड्रग्स देने का हमारा मकसद ही होता है कि हमारे पास सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स रुक जाए। तो हम ये ड्रग्स देंगे, सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स रुक जाएगी और उसके बाद पेशेंट जो है वो अपनी थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स उसके खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये कि दवाइयों के जिस तरह साइड इफेक्ट होते हैं उसमें ए प्लास्टिक एनीमिया होने में आपकी इन ड्रग्स का बड़ा रोल होता है। ए प्लास्टिक एनीमिया होता है बोन मैरो जिसमें खराब हो जाती है आपकी, और उसके अलावा कोई खास साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा रिपोर्टेड नहीं है। डोज कुछ इस तरह से होती है कि पहले आप पता हमने जेनेटिक कार्बामिजोल देनी होती है कि आप 10 mg दिन में 3 दफा देते हैं, और बाद में जब पेशेंट का स्टेटस थोड़ा बेहतर हो जाता है, T3 T4 हार्मोन्स नॉर्मल के करीब आते हैं, तो फिर आप BD स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद एक तरीका ये होता है कि आप टोटली जो है वो ब्लॉक कर दें पेशेंट के T3 T4 हार्मोन्स को रिलीज होने से बाय गिविंग वेरी हाई डोज ऑफ कार्बामिजोल 10 mg TDS में देने से। तो आप उसके T3 T4 हार्मोन्स को नॉर्मल करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल रेंज में। लेकिन ब्लॉक कैसे कर सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा कार्बामिजोल देंगे तो ज़ाहिर है बिल्कुल भी सिंथेसाइज नहीं होंगे, तो T3 T4 हार्मोन्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे। अब बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे तो पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म में चला जाएगा। उस हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें उससे बाहर से थायरोक्सिन देनी पड़ेगी एक्सोजिनस। तो एक तरीका ये होता है कि ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट थेरेपी को कहते हैं कि हम अंदर से ब्लॉक करें। अंदर से ब्लॉक करने का मकसद ये होता है कि हम टोटली बाहर से रिप्लेस करें ताकि हमें कोई शक ना रहे, हमें बार बार लेवल्स ना कराने पड़े कि ये ना हो कि कोई गलती हो रही है, T3 T4 ज्यादा आ रहे हैं। तो इससे हम जो है वो ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, लेकिन ये इतनी मतलब बहुत कॉमनली नहीं की जाती। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास ट्रीटमेंट का वो सर्जरी है। सर्जरी का यही है कि आप ग्लैंड को निकाल दें। अब उसमें हमारे पास दो ऑप्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम या तो सबप्रोटल थायरॉयडेक्टमी करते हैं। सबप्रोटल में हमने दोनों साइड पे ग्लैंड में 4 ग्राम 4 ग्राम छोड़ देना होता है, यानी टोटल 8 ग्राम इनफ होता है कि वो आपका आराम से जो थायरॉयड हार्मोन है उसकी जरूरत को पूरा करता है, और टोटल थायरॉयडेक्टमी हमें हम सारा निकाल देते हैं, ठीक है। अब सब टोटल को मैं बिल्कुल वही सारी बातें जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि सब टोटल थायरॉयडेक्टमी अगर हम कर देंगे तो पेशेंट का ग्लैंड तो प्रिजर्व हम कर लेंगे। एक तो ये होगा कि 8 ग्राम जो है वो आपका ग्लैंड रह जाएगा, तो आपको थायरॉक्सिन नहीं देनी पड़ेगी। तो पहले इसका फायदा है कि थायरॉक्सिन नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा इसका फायदा ये कि जब हम सब टोटल करते हैं तो नर्व और वेसल्स के इंजर होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हमने सारा ग्लैंड ही रिमूव करना होता, तो इसलिए नर्व्स और वेसल्स की इंजरी के चांस कम होते हैं। तीसरी बात है पैराथायराइड जो ग्लैंड आपका बिल्कुल थायराइड के पीछे पड़ा हुआ है उसकी भी इंजरी के चांसेस और उसके निकलने के चांसेस कम होते हैं। और सबसे बड़ी बात, पेशेंट को लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन नहीं लेनी पड़ती, ठीक हो गया। ये सब टोटल के फायदे हैं, लेकिन सब टोटल का सबसे बड़ा एक ही नुकसान है और जो सबसे काफी बड़ा है वो है रिकरेंस। दोबारा हो सकता है, ग्लैंड अंदर छोड़ दिया हमने, दोबारा से ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, तो रिकरेंस में दोबारा पेशेंट को सारी सर्जरी और इतनी सारी मिस्टेक्स बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसका मसला होता है, लेकिन रिकरेंस होते हुए ये याद रखना है आपने कि अगर आपने आज सर्जरी की है तो कल रिकरेंस नहीं हो जाती, कम से कम 8-10 साल लगते हैं दोबारा रिकर होने में, ठीक है। अब टोटल थायरॉयडेक्टमी का क्या फायदे होंगे, फायदा ये होगा कि उसके हमें रिकरेंस बिल्कुल भी नहीं होगी, रिकरेंस का चांस टोटल खत्म है, लेकिन पेशेंट को लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन लेनी पड़ेगी, उसकी नर्व्स और वेसल्स की इंजरी का खतरा बढ़ जाएगा, और पैराथायरॉयड हार्मोन के निकलने का खतरा थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर हमें किस तरह से डिसीजन करना होता है कि हमने किस पेशेंट की सब टोटल किसकी टोटल करनी है। पहली बात तो ये कि हमारे पास मैंने आपको बताया कि कट ऑफ क्राइटेरिया हम ज्यादातर 45 पेशेंट को हम सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कट ऑफ क्राइटेरिया ज्यादातर हम 45 ईयर्स ऑफ एज पे रखते हैं। 45 से जो कम की एज के लोग होते हैं
क्योंकि उन्होंने अभी जाहिर सी बात है, सपोज अगर एक 30 साल की खातून है, जो कि ज्यादातर 30 साल की होती हैं, तो 30 साल की खातून का अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरल देखी जाए तो 35 to 40 ईयर्स है उसके पास। अभी 35 to 40 ईयर्स में अगर मैं उसका सब टोटल करती हूँ, ग्लैंड छोड़ देती हूँ, तो होपफुली वो 10 साल बाद दोबारा बढ़ जाएगा, उसको दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी और उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है दोबारा सर्जरी की। उससे बेहतर है कि मैं भी उसका टोटल कर दूं और उसके बाद क्या होगा। ये तो चलो सारी चीजें जो है ना, ये नर्व इंजरी या पैराथायड इंजरी, ये तो आपके स्किल पर डिपेंड करती है, आप स्किलफुली करोगे तो इंजर नहीं करोगे। लेकिन एक मसला सिर्फ ये कि उसको सारी उम्र थायरोक्सिन लेनी है, तो क्या वो छोटी छोटी सी गोली तो है और सस्ती भी है तो ले लेगी, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रिकरेंस नहीं होगी। ठीक है, 45 से कम की हम टोटल करते हैं, ये 45 से ज्यादा की सब टोटल करते हैं, क्योंकि जब तक उनकी रिकरेंस होगी तब तक उनकी उम्र ही बिल्कुल खत्म होने के करीब होगी। तो इस वजह से उनको बेहतर ये होता है कि सब टोटल कर दें, उनको थायरोक्सिन ना लेनी पड़े। तो ये हमारे पास एक जनरल सा हमने ये रूल रखा हुआ है कि इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ भी हो, सर्जरी कोई भी करनी है, उससे पहले ये जरूरी बात है कि हमने पेशेंट को यूथायराइड स्टेटस पे लाना है। अभी तो पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो वो थायरोटॉक्सिकोसिस में होगा, उसके पास T3 T4 बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, कभी भी उसी वक्त सर्जरी नहीं करते होते, क्योंकि अगर आप उसी वक्त सर्जरी करेंगे तो आप ग्लैंड को मैनिपुलेट करेंगे। ग्लैंड मैनिपुलेट होता है तो उसके अंदर से हॉर्मोन्स ब्लड में रिलीज होते हैं, और एक ऐसा ग्लैंड जो पहली थायरोटॉक्सिक स्टेट में उसके पास बहुत ज्यादा T3 T4 होते हैं, वो जब बहुत ज्यादा T3 T4 ब्लड में रिलीज करते हैं तो पेशेंट को इतनी ज्यादा सर्ज आती है T3 T4 की, उसका बीपी सब कुछ इतना ज्यादा एकदम राइज होता है कि वहीं पर पेशेंट मर जाता है, टेबल डेथ हो जाती है। इसलिए इट इज अ क्राइम टू डू कि आप उसी वक्त उसकी थायरॉइडेक्टमी करें, कभी भी नहीं करनी होती। हमेशा आप पहले पेशेंट को एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स उसके T3 T4 हॉर्मोन के लेवल्स को नॉर्मल लेके आते हैं। कम से कम 8 से 12 हफ्ते यानी 3 महीने आपने पेशेंट से कहना होता है कि बाकायदगी से रोजाना दवाई खानी है, वो खा के जब उसके T3 T4 के लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं फिर आपने जाके उसको सर्जरी करनी होती है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं करते होते। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका सर्जरी का तरीका। और तीसरे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप रेडियो एक्टिव आयोडीन दे दें। रेडियो एक्टिव आयोडीन का सिलसिला ये होता है कि आप रेडियो आयोडीन जब पेशेंट को देते हैं, ये ओरली देते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, कतरे होते हैं, आपने शायद देखा भी हो, कतरों के फॉर्म में ये पेशेंट को दिया जाता है। तो क्या होता है कि ये आपका रेडियो आयोडीन जाता है, आयोडीन इसलिए साथ हमने रखा हुआ ताकि थायराइड ग्लैंड इसको ले ले, जब थायराइड ग्लैंड को ले ले होते हैं तो इसका जो रेडियो एक्टिव एजेंट हम जिसमें डाला होता है वो जाके आपके थायराइड ग्लैंड के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। थायराइड ग्लैंड के सेल्स को जब ये डिस्ट्रॉय कर देगा तो वो थायराइड ग्लैंड के सेल्स रहेंगे ही नहीं, मतलब वो खत्म हो जाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ ओवर प्रोडक्शन वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, वो सबको ही डिस्ट्रॉय कर देगा, सारा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो पेशेंट बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे उसकी टोटल थायरॉइडेक्टमी होगी। तो ऐसा पेशेंट बिल्कुल हमने सारी उम्र थायरोक्सिन पे रखना होता है, मतलब जिसको हम रेडियो आयोडीन से ट्रीट कर देते हैं ना, फिर उसके अंदर थायराइड ग्लैंड नहीं रहता, बेशक वो आपने सर्जरी से नहीं निकाला लेकिन उसके सारा थायराइड ग्लैंड खत्म हो चुका होता है रेडियो एक्टिव मटीरियल के जरिए। तो फिर आपने उसकी सर्जरी जो है की तरह उसको मतलब ट्रीट करना है, जिससे आप थायरोक्सिन उसको सारी उम्र के लिए देंगे। लेकिन याद रखना है कि कभी भी आपने ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये आप तरीका नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि रेज होती है, रेडियो एक्टिव रेज होती है। और उसके अलावा हम कहते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि यंग पेशेंट्स में भी ये ना करें, क्योंकि यंग पेशेंट्स में ये रेडियो एक्टिव रेज है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे पेशेंट्स को हम कम से कम एक्सपोज करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्टेरिलिटी होने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से हम उसको अवॉइड करते हैं, बेहतर तरीका सर्जरी होता है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन, ये बात हमने इस तरह से डिसाइड करनी होती है, मतलब कौन सी सर्जरी किस डिजीज में देनी है, वो सारे डिजीजेस के हिसाब से थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू देम बात होती है। तो उसमें हमारे पास अगर पेशेंट की ग्रेव्स डिजीज है, तो ग्रेव्स डिजीज का पता है आपको कि ये आपकी प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस है जिसमें ग्लैंड भी बड़ा हुआ है और थायरोटॉक्सिक भी है। तो इसमें आपने ये करना होता है कि अगर पेशेंट आपको 45 से ज्यादा का है तो आप उसको रेडियो आयोडीन वाली थेरेपी दे दें। 45 से ज्यादा के फीमेल ज्यादातर उनकी फैमिली कंप्लीट होती है और वो मजीद एक्सपेक्टेशन उनकी प्रेगनेंसी की नहीं होती, और इस वजह से, और जाहिर सी बात है कि हमने उसका कोशिश होती है हमारी कि हम उसका सारा थायराइड ग्लैंड भी अगर रिमूव हो जाएगा तो ऐसा मसला नहीं होगा। तो इसलिए अगर 45 प्लस से ग्रेव्स डिजीज है, ग्रेव्स डिजीज में हमारी कोशिश होती है कि हम सब टोटल ना करें, हम टोटल थायरॉइडेक्टमी करें, क्योंकि ये ग्रेव्स डिजीज में आपकी ऑटोइम्यून है ना, तो ये दोबारा रिकरेंस जरूर होगी। तो अगर ओल्ड एज पेशेंट भी है, मतलब अगर 50 इयर्स का भी है, तो भी हम उसको, क्योंकि रिकरेंस होनी ही होती है, लाजमी होनी होती है, तो एंटीबॉडीज बनती रहती हैं इस वजह से, तो इसमें हमने टोटल थायरॉइडेक्टमी करनी होती है। वो टोटल थायरॉइडेक्टमी के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम सर्जरी से करेंगे या हम रेडियो आयोडीन से करेंगे। तो अगर 45 इयर्स से ज्यादा का पेशेंट है तो रेडियो आयोडीन से कर देंगे, क्योंकि उससे फायदा ही होगा कि पेशेंट को सर्जरी वाला सारा तमाशा नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा, उस कतरे लेगा और कतरों से उसका ग्लैंड खत्म हो जाएगा और थायरोक्सिन पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट आपके पास 45 से कम का है तो आपने रेडियो आयोडीन को पहले ऑप्शन ही रखना, फिर आपने करना है सर्जरी को पहली ऑप्शन।
सर्जरी में अब हमारे पास वही बात है कि अगर आप उसको ये करेंगे कि आप सब टोटल करें तो बहुत ज्यादा, बल्कि हमेशा लाजमी रिकरेंस होगी, इसलिए आपने ग्रेव्स डिजीज में अगर 45 से कम है तो पहले पेशेंट को यूथायराइड करेंगे बाय एंटी थायराइड ड्रग्स और उसके बाद आपने उसकी टोटल थायरॉयडेक्टमी कर देनी है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं आपसे, अगर आपके पास एक 35 साल की फीमेल आ रही है जिसके 5 बच्चे हैं और वो मजीद प्रेगनेंसी नहीं चाहती, तो फिर आप बेशक उसको भी रेडियो आयोडीन दे दें, तो ये पेशेंट की प्रेफरेंस पे भी होता है, लेकिन इन एनी केस द रीजन इज कि हमें टोटल थायरॉयडेक्टमी ही करनी है। इसमें ग्रेव्स डिजीज में एंटी थायराइड ड्रग्स कुछ भी नहीं कर सकती, जो हमारा स्टिमुलेंट है वो वहीं पर है, जो आपका ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज है उनको नहीं हम रोक सकते, तो इस वजह से हम इसकी टोटली करते हैं। फिर हमारे पास जो अगली कंडीशन होती है टॉक्सिक नोडुलर गोइटर। अब जाहिर सी बात है कि ये वाला भी इतने मल्टी नोड्यूल्स होते हैं कि ये भी आपके एंटी थायराइड ड्रग्स को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देते और ना ही इसका रेडियो आयोडीन से ज्यादा रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि इसमें ना मल्टी नोडुलर गोइटर में बहुत पुरानी हिस्ट्री होती है और बहुत अरसे से ग्लैंड बड़ा हुआ होता है, तो इसमें भी रेडियो आयोडीन का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता। रेडियो आयोडीन ज्यादातर आपका न्यूली इनलार्ज ग्लैंड में ज्यादा अच्छा काम करते हैं जो रेडियो आयोडीन है, तो इसे टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर में हमने लाजमी तौर पर पेशेंट को पहले यूथायराइड कर लेना है और उसके बाद हमें उसकी टोटल थायरॉयडेक्टमी करनी है। जिन पेशेंट्स की सर्जरी टॉलरेबल नहीं है, सपोज कोई बहुत शदीद कार्डिक रिस्क का पेशेंट है और वो बिल्कुल भी जनरल एनेस्थीसिया बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन पेशेंट्स में हम फिर रेडियो आयोडीन या एंटी थायराइड ड्रग से काम चला लेते हैं, लेकिन वो काम चलाना होता है, वो उतना क्योर नहीं होता जितना सर्जरी का, ठीक है। फिर आगे टॉक्सिक एडिनोमा। तो टॉक्सिक एडिनोमा हमेशा मैंने आपको बताया था कि एक साइड पे एक छोटा सा एडिनोमा बन जाता है, कभी भी पूरा ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं होता, इस वजह से इसमें हमेशा ट्रीटमेंट में लोबेक्टमी आती है, ठीक है। टोटल थायरॉयडेक्टमी ये सब टोटल नहीं आती, जिस जगह पर वो होता है वो वाला लोब हम रिमूव करते हैं, बाकी लोब इस्थमस में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो और वही बात है कि जो हमारे पास पेशेंट्स 45 से ज्यादा के होंगे जो चाहते हैं कि बेशक रिमूव कर दें, तो उनको हम रेडियो आयोडीन भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये बात खत्म होगी हमारी थायरॉक्सिकोसिस की। किसी कोई मसला हुआ है कि ना आसमी? थैंक यू।